हेलो, वेलकम बैक बीस इन्फो फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी जरूर होती है जब आप पहला एक फ्लैट ले लेते हैं और दूसरी एक इनकम बनाना चाहते हैं, रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं। उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आते हैं, ऑफिस स्पेसेस, शॉप। अब नया पैटर्न आया है वर्चुअल स्पेसेस का, तो शॉप्स के अंदर भी आती है, रिटेल शॉप्स आती है, ITES के नीचे शॉप्स आती है, सोसाइटी की शॉप में आती है, प्लस फूड कोर्ट में शॉप का ऑप्शन आता है, वर्चुअल स्पेसेस का ऑप्शन आता है। इन सारे ऑप्शंस में क्या बेस्ट है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो एक ITES में है, जहाँ पर अवेलेबल है रिटेल स्पेसेस भी और ऑफिस स्पेसेस भी। ये ऑफिस स्पेसेस मात्र 25 लाख रुपए से शुरुआत होती है और डे वन आपको करीबन 15,000 रुपए के आसपास का रेंटल रिटर्न देती है। और एक खास बात, ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे पड़ती है, सेक्टर 150, जो सबसे बड़ा ओपन ग्रीन लग्जूरियस स्पोर्ट सिटी सेक्टर है उसके पास पड़ती है, सेक्टर 148 मेट्रो के पास पड़ती है। मेट्रो के पास ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शन बहुत ही कम है, एडवांट के बाद शायद ये दूसरा ऑप्शन होगा इस एक्सप्रेस वे पे। तो चलिए जानते हैं आज एक और नए कमर्शियल अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप लखनऊ रह रहे हैं, नोएडा रह रहे हैं, अलीगढ़ रह रहे हैं, आगरा रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिल्ली तीसरा बड़ा ऑप्शन है बॉम्बे एंड बेंगलुरु के बाद में। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रॉपर्टी की, वो सिचुएटेड है सेक्टर 153 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 148 से लगी हुई NPH स्क्वायर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन से। ये सिचुएटेड है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, सेक्टर लगता है 153। अगर आप मेट्रो की बात करेंगे तो सेक्टर 148 मेट्रो के जस्ट एडजेसेंट अपोजिट है। अवटेक NPH स्क्वायर ये एक पुरानी बिल्डिंग जरूर थी बट अभी फिलहाल अंडर रेनोवेशन जा चुकी है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो आपको राइट आप जहाँ जा रहा है वो जाके आगे यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देता है, और ये जो लेफ्ट जा रहा है ये कनेक्ट कर देता है आपको डेली। तो सेक्टर 150 से लगा हुआ है, हम अंदर आ चुके हैं। मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, एम्पल पार्किंग स्पेसेस हैं जहाँ पे आउटर में आपको विजिटर पार्किंग स्पेसेस मिल जाती हैं और 2 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग भी इसमें आपको मिल जाती है। इसकी एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट की बात करोगे तो इसमें 3 एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट हैं, 2 फ्रंट पे और 1 साइड पर। ये सामने आप रेनोवेशन देख रहे हैं अपने सामने, ये मेन एंट्रेंस एरिया है, ये एक ITES स्पेस है नीचे, जहाँ पर 2 फ्लोर है आपके रिटेल, फूड कोर्ट एंड स्पेसेस, और उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 16 फ्लोर की टोटल बिल्डिंग मिल जाती है आपको, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑफिस स्पेसेस। ये जो ग्राउंड फ्लोर पर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वेटिंग लाउंज एरिया बन रहा है, एंड यहाँ पर कुछ कियोस्क वगैरह का प्लेसमेंट शुरू कर दिया जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, और इसको एक रीडिज़ाइन करके रीडेवलप किया जा रहा है। अगर मैं NPX की बात करूँगा तो ये टोटल 1 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है, इसमें ग्राउंड प्लस 16 जैसा मैंने आपको बताया, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। हम आ चुके हैं इसके फ्लोर्स पर, जिस फ्लोर्स पर आपको मिल जाते हैं ऐसे ऑफिस स्पेसेस। ये P7 फ्लोर है, एक एक करके बिल्डर ने फ्लोर्स भी मेंटेन करना दोबारा से शुरू कर दिया, ऑफिस स्पेसेस को लीज आउट करना शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग में आपको मिलता है टाटा, गार और DFT, ऐसे बड़े बड़े LHD, ऐसे बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस आपको मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शनल है। यहाँ पर रिटेल जोन के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस बिजनेस सूट्स के साथ आपको आगे चल के क्रिएटिव एरिना, ऑडिटोरियम, गेमिंग जोन वगैरह भी ऑफर किए जाएंगे। नीचे छोटी स्पेसेस भी हैं जो बैंक्स एंड ATMs को दी जाएंगी। पार्किंग का विशेषकर ध्यान रखा गया है, एक जो सबसे बड़ी इसकी USP है कि ये सेक्टर 150 से लगा हुआ है, जहाँ पर रेसिडेंशियल का रेट 10,000-12,000 रुपये फुट आज की रेट में है, वहाँ पर मात्र 6,000 रुपये फुट में आपको मिल जाता है एक छोटा ऑफिस स्पेस 250-300 स्क्वायर फीट का। अगर आप एडवोकेट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, होम मेकर हैं, या आगे शुरू करना चाहते हैं कोई बिजनेस, तो एक बैठने की जगह चाहिए होगी। अगर आप कल को रेंट पे भी लेने जाएंगे तो 15,000-18,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उस व्यू पॉइंट से अगर आप देखना चाहते हैं, या आपके पास सम ऑफ अमाउंट मनी कम है, आप लोन करना चाहते हैं, PNB इस पर लोन कर रहा है, लोन लेकर आप ये ऑफिस स्पेसेस ले सकते हैं। बिल्डिंग अंडर रेनोवेशन है, आपका लीज आउट कराने में भी बेस इंफ्रा आपको हेल्प कर देगा। लीज आउट कराने के बाद 30 लाख रुपए लगाने के बाद 15,000-18,000 रुपए की रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन लेके। लखनऊ और नोएडा के सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस।